सो बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज़। सो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही प्रोफेशनल लैपटॉप्स की। भाई जो ये इस प्राइस रेंज में लैपटॉप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एकदम ही बेस्ट होंगे, और इस प्राइस रेंज में आप कोडिंग भी कर सकते हो, प्रोफेशनल काम, बेसिक टास्क, एक्सेल, एमएस ऑफिस सब चला सकते हो, और इन सब लैपटॉप्स में आपको हाई एंड प्रोसेसर मिलेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के सबसे पहले लैपटॉप की बात करें वो आता है ASUS का ASUS VivoBook 15। ये आपको 52,000 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, प्राइवेसी शटर कैमरा देखने को मिल जाता है। अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको इंटेल i5-12500H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब रैम की बात करें, इसमें आपको 16GB की DDR4 3200MHz वाली रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। 512GB की Gen 3 SSD देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 2TB। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी क्लियर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, विद 60Hz के रिफ्रेश रेट और 2220 nits की ब्राइटनेस के साथ में। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज मिल जाएंगे इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 42 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप ईजिली देखने को मिल जाएगा। ये हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो के अगले लैपटॉप की बात करते हैं, वो आता है लेनोवो का लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। ये आपको 53,000 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको इंटेल i5-12450H प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। सिनेमन स्कोर आपके सामने ये रहे भाई, 12500H और 12450H में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब रैम की बात करें, इसमें आपको 16GB की DDR5 4800MHz वाली रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल टू 2TB। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, विद 300 nits की ब्राइटनेस के साथ में। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज मिल जाएंगे इंटेल के USG ग्राफिक्स। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ देखने को मिल जाएगा। भाई ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही करता है, जो कि 15 मिनट में 2 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब अगला जो लैपटॉप आता है वो आता है डेल का डेल वॉस्ट्रो 3420। ये 53,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको इंटेल का i3-1215U प्रोसेसर दे रखा है, जो कि 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब रैम की बात करें, इसमें आपको 16GB की DDR4 2666MHz वाली रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। 512GB NVMe Gen 3 SSD देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 2TB। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। भाई ये स्टैंडर्ड लेवल की डिस्प्ले है, इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मिल जाएंगे इंटेल के USG ग्राफिक्स। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ देखने को आपको मिल जाएगा। भाई इसमें आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। भाई ये बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है और हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर दी बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज़। सो देखो यार, अगर आपको जल्दी चार्ज चाहिए होता है, जल्दी आपको ट्रैवलिंग का काम होता है, एडिटिंग करनी होती है ट्रैवलिंग में, तो भाई लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। और अगर आपका एडिटिंग कोडिंग वगैरह का काम है, तो भाई ASUS VivoBook 15 एकदम ही बेस्ट है। सबके आपको बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बजट डिसाइड करना है, और बजट के बाद रिक्वायरमेंट के बाद आपको मेरी वीडियो में लैपटॉप मिल जाएगा, और बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके बता देना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ में।